Alright, hola amigos, welcome back to my channel. Just a few last days in Rans. I'm doing all the little chote mote kaam jo bhi karne hai. And also having the ball of the time with my friends here. Bahut sare actually achhe log hai yahan pe Rans mein. Aur Rans mein aisa possible hi nahi hai ki ek jana dusre jane ko na janta ho. वैसे तो इट्स अ बिग सिटी बट हर किसी को जानता है यहाँ पे. एंड अभी पिछले कुछ दिन क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें करी है रैम्स में, यू गाइज गो एंड वॉच बिकॉज अभी ब्रिजेट गई है अंदर पैसे निकालने एंड देन वी आर गोन गो पोस्ट दैट लेटर जो अभी मैंने फ्री के बुटीक से लिया है टू रेजिलिए, हाउ टू से दैट इन इंग्लिश, टू एंड माई फ़ोन नंबर का फॉरफे रिचार्ज एंड एवरीथिंग टू to end my subscription with the free mobile and then I'll be sorted because normally मेरे हर 26 को पैसे कटते हैं अकाउंट से फ्री के लिए और अभी चल रही है 3, सो आई हैव टाइम. तो अभी वो सब करेंगे, छोटा मोटा काम करते हैं बट अभी इतने दिनों में क्या क्या हुआ है वो सब देख के आओ तब तक, और ब्रिजेट कौन है वो भी पता चल जाएगा. गो एंड वॉच, तब तक हम जाते हैं आगे ला पोस्ट तक एंड विल गेट दिस ओवर विद एंड टुमारो थोड़ा सा और एक दो छोटे मोटे काम करेंगे. बट इट्स फन, यू नो, आई एम नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स अलोन, आई हैव कंपनी ऑल द टाइम. तो आई एम जस्ट जो प्रोफीत भी दे 3C, किसका अलार्म बज गया, चलो यू गो एंड वॉच. जैसा मिला था वैसा ही छोड़ दिया है, सब खाली कर दिया है, सामान ऑल सेट, बहुत सारे नग बन चुके हैं. ये जैकेट अभी पहननी है, पावर बैंक चार्ज हो रहा है थोड़ी देर के लिए, अलमीराज भी एक बार ही देख ही लेते हैं. इसी अब दो चीज़ रह गई है, इनका क्या करूँ, आई हैव नो आइडिया. ये मैं डिलीबरेटली छोड़ रही हूँ, आई थिंक आई जस्ट डिस्कार्ड दिस, बट दिस इज़ दारू, मैक्सिकन दारू, आई डोंट हैव अ वे टू कैरी दिस, सो आई डोंट नो, वी विल सी. You'll not see. You should not see. You should do it right away. I don't even have a thela. Okay. Figure it out later. यहाँ पे जूते वूते थे, ऑल पैक, एक पहन लिया है. ये रहा मेरा सामान. ये वापस करना है. ये सब ले, ये अभी जितने भी दिन रेंस में हूँ वहाँ के लिए राशन पानी एंड देन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा. 100% मुझे कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी बिकॉज दोनों सूट केसेस ऐसे फटने को हो रहे हैं, लिटरली फटने को हो रहे हैं. लाइक लुक एट दिस, यू सी ए लिटिल कर्व देयर. तो बहुत मुश्किल से बन गए हैं. ये रहा फर्नांडा का सामान, ये सब चीज़ें वापस करनी है उसने भी, इसके ऑब्वियसली मेरे से कम ही है बट वाला वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ. और अभी थोड़ी देर में ये सब नीचे उतारना शुरू करना है, दो फ्लोर्स, बट आई नीड टू ग्रैब माई मील, बहुत देर से भूख लग रही है. सब साफ कर दिया है, डस्टबिन भी जितना कूड़ा था सब निकाल दिया. ये मैं छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कैरिंग दिस. नीड अ फोक, मेरी तूलों वाली स्पून, आई थिंक आई लीव दिस नाउ. बर्तन भी हो गए हैं, अभी लास्ट में प्लेट खा के आई विल वॉश दैट टू. ये थोड़े से मसाले में छोड़ के जा रहे हो, नमक, चीनी, चाय पत्ती, जो कि मैंने कभी पी ही नहीं. भाई लेके घूम रहा था, एक दो बारी मैंने भी पी ली, उसके बाद नहीं पी, तो मैं यहीं पे रख के जा रही हूँ सब. वाला द डे इज़ हियर, 30th April इज़ हियर. वेयर डिड द टाइम गो. ये मुझे पैक करना है क्योंकि ये भी मुझे वापस करनी है. ये मेरा भोजपुरी डाल कहीं ना कहीं ठूस दूंगी, जैसे सारी चीज़ें ठूसी हैं. लास्ट मील इन दिस अपार्टमेंट इन सैदीज. ये लिफ्ट तक आने आने में 15 मिनट लग गए मुझे, 3-3 राउंड काटे हैं. सो फाइनली रीच द स्टेशन ऑफ रैंस, वेटिंग फॉर लूसिया एंड ब्रिजेट जिनके घर पे मैं रुकने वाली हूँ. ऑल इन ऑल मेरे को बस
सैद ईजिया के स्टेशन से रैंस के स्टेशन तक आना था और उसमें भी वाट लग गई इतने सारे सामान के साथ, तो इतना तो समझ आ गया आई एम गोइंग टू शेड ऑल ऑफ दिस ऑफ। बहुत चीज़ें मेरे को डोनेट करनी है, बहुत सारा आई नीड टू डू सम रिसाइकलिंग ऑल्सो, तो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दीज टू वालीज, वन बैग दिस वन एंड दैट्स इट ऑन द डे ऑफ माई फ्लाइट, दैट्स इट। आई वॉन्ट टू ट्रैवल डिसेंटली, नॉट विद एक्स्ट्रा बैग हर जगह से लटक रहे हो, इधर उधर से गिर रहे हो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। मैंने यहाँ पे बस स्टॉप पे एक अंकल थोड़े से पता नहीं मेरे बैग को देख देख के अजीब अजीब लुक्स दे रहे हैं, मैंने कहा फॉर फ्यू डेज। इसमें है अपना गद्दा, इसको भी इन्फ्लेट करना है। तीन दो मिनट में फूल गया पूरा, ढक्कन तो लगा दिया, पलटियाँ मारने से फूल तो नहीं जाएगा। एंड आई हैव एक्सेस टू बालकनी, सम फ्रेश एयर, बट अभी नहीं खोल सकती बिकॉज इस घर में बिल्ली भी है जो कि तब से मुझे ऑब्जर्व कर रही है। हाय फिलिपिनो, हेलो, हुई एल मेरिगार्ड, किस कैल्फे, किस कैल्फे ला क्या अंतरालूस में साबुज साबुज बस प्लस अग्रेबल है कैमरा हम्म, हुई ओके सीनो टिप ओसी दीर आवरे दीर कॉम्प्रेने ला डिफरेंस एंट्र पर एट्र और पटेट्र। Mais sinon, vous pouvez dire les femmes sont moins payées. Bonne question. Atta prepared. सैलड बनाऊंगी। आई एम थिंकिंग ये जो मिक्स है ये वाला, इसको बोलते क्या है, मेलोंज गुरमोंज दिस स्ट्रॉबेरी, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं सैलड के लिए, दीज टमेटोज एंड देन पॉवरों, आई थिंक दैट विल बी गुड। कल वैसे पता मेरी फ्रेंड ने ये भी डाल दी थी कच्ची और इतनी अच्छी लग रही थी, आई वाज सरप्राइज्ड विद दैट कॉम्बिनेशन। एंड देन सम लेमन जूस, कोरिएंडर एंड दैट्स इट। यहाँ पे छोले बन रहे हैं, यहाँ पे चावल बन रहे हैं, एंड देन वील हैव एन इंडियन इवनिंग। बट सही में सबसे यूजलेस चीज़ जो मेरे को अभी भी लगती है, दैट इज़ द डिश वॉशर। ये देखो, अच्छा ये तो धुले ही नहीं हुए, हाँ यार धुल चुके हैं, मेरे को आज तक डिफरेंस नहीं पता चला। यहाँ से मैंने बोल निकाला है, धुली हुई चीज़ भी मेरे को अनधुली हुई लगती है, तो मैं दो दो बारी धो रही होती हूँ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिश वॉशर, क्योंकि सिर्फ पानी ही डालता है ये नीचे से और कुछ नहीं करता। But still, most people have it. Okay. Chalo, let's prepare salad and then we'll relax. All finished? Tu choisis là dans ta tête, tu dis rien. Tu prends soit une facile, par exemple, tu dis bah trois celle-là, trois bleus. Mais par contre, elle n'apporte pas de points. Ça c'est pour nous. J'ai choisi, oui. C'est bon. Elle n'apporte pas de points, mais elle est facile. Non mais de où ? Il y a rien dedans. Elle a vu, elle a rien dedans. Non mais Brigitte, c'est toi qui l'as fait avec un petit peu. C'est un cas, mais il n'y a rien dedans. Elle est où la poudre ? Attends, c'est où la lumière ? C'est un cas, c'était... Ah ! Il était posé là-haut ? Ah oui, c'est possible, oui. Ah ! Mais l'intérieur... Voilà. On a résolu le mystère. Mais tu sais, juste comme on dit avant le dîner, moi j'étais juste ici en faisant l'appel
Et comme c'était noir, moi j'ai tourné un petit peu comme il y a le porte-manteau. Je dis, c'est qui là? Tu vois, c'est vraiment. J'ai pensé, j'avais l'impression qu'il y a un homme vraiment grand qui m'attend. Je dis, Treasure! Je me fais pipi, je me fais pipi! Ah oui, parce qu'elle a... Ah, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un! Parce que elle, j'ai cru qu'elle avait vu quelqu'un! C'est pour ça qu'elle n'a pas entendu ça y est, c'est quelqu'un! C'est le bruit, quoi! Bah, vous savez, fermez la porte! Coucou! Alright, so it's 7 PM, शाम के 7 बज रहे हैं एंड आज है मंडे और मेरे को आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था एंड आई एम इन रैंस थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया होगा वीडियो में सो नॉर्मली इस टाइम हम होते हैं ल्यूसिया के घर और मुझे इतनी मज़ेदार बच्चों वाली फीलिंग आ रही है ना लाइक बचपन में क्या होता था नानी घर जाते थे ना तो हम एक घर से दूसरे घर होते रहते थे बिकॉज आई हैव 3 मामीज़ तो तीन तीन फैमिलीज़ के साथ बैठने को मिलता था तो इधर से उधर जंप मारते रहते थे हम बच्चे तो वही लग रहा है कि इस घर से सामान लेती हूँ अच्छा क्या क्या चाहिए फिर वहाँ पे कुक करते हैं और साथ में खाते हैं तो ब्रिजेट जिसके घर पे मैं अभी हूँ दिस इज़ माय प्लेस तो यहीं पे ये इन्फ्लेटेड मैट्रेस लगा के बैठी हूँ बहुत कंफर्टेबल है और अभी बस आधे घंटे पहले मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है तो अभी मैंने उनको फ़ोन किया मैंने कहा मैं पहले मेरा प्लान था कि मैं 7 बजे पहुँच जाऊँगी बिकॉज आई एम गोइंग टू कुक आलू गोभी तो हम स्विच करते रहते हैं कभी कोई कुक करता है कभी कोई तो मैंने कहा अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है तो आई विल बी 30 मिनट्स लेट तो 7 की जगह मैं 7:30 आती हूँ तो अब 7 बज चुके हैं यहाँ से निकलते हैं जो भी मेरे को सामान चाहिए था किचन से बिकॉज यहाँ पे क्या है ब्रिजेट अकेली रहती है तो ये इतना अपने लिए नहीं बनाती हार्डली एक या दो मील बना ली तो यहाँ से सामान लेके आई एम गोइंग टू ल्यूसियास प्लेस और वहाँ पे आई विल बी कुकिंग आलू गोभी तो मैंने बैग रेडी कर लिया है कारफूल बैग उसके अंदर आई हैव टमाटर एंड यू नो चिकन टिक्का मसाला ऑल द इंग्रीडियंट्स दैट वी नीड फॉर टुडेज डिनर या टुनाइट्स डिनर डोंट नो एनी मोर आई डोंट नो व्हिच लैंग्वेज आई स्पीक नाउ ऑलराइट एंड अब हम आएंगे घूम फिर के वही 11-12 बजे जाएंगे और आज पहली बार मैं अकेले जा रही हूँ ब्रिजेट पहले ही चली गई है मेरे को क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे को आज काफ़ी काम थे मेरे को कल भी काफ़ी काम है बट कल मेरे नेट पे नहीं है मतलब मेरे लैपटॉप के काम नहीं है मेरे को बाहर जाके काम करना है मैंने सब जगह की फिर अपॉइंटमेंट ले लिया एक एक करके वहाँ पे जाना है एंड देन कालू से भी मिलना है सबसे धीरे धीरे करके मिलना है अभी मेरी कुछ भी प्लानिंग नहीं हुई कि किससे किस टाइम पर मिलूँ क्योंकि अभी काफ़ी काम है पहले मैं वो निपटाऊँगी देन मेरा दिमाग थोड़ा फ्री होगा बट आई एम फीलिंग गुड पता है अभी थोड़े दिनों में घर जाना है और ऐसा लग रहा है कि यार मतलब आई एम हैप्पी टू गो बैक होम और आई एम मेकिंग कंटेंट कुछ भी बोलती हूँ कभी कभी तो चलो लेट्स इसको मैं डाल लेती हूँ पीछे जब फ़ोन में बैटरी नहीं होती पावर बैंक जाता है पीछे फ़ोन जाता है आगे और अगर पापा ये वीडियो देख रहे हैं 100% सोचेंगे फोन सारा तो दिख रहा है चोरी हो जाएगा नहीं दिख रहा बिकॉज अभी तक पता है क्या हो रहा है कि यहाँ से हम ल्यूसिया के घर के लिए निकलते हैं गाड़ी निकालते हैं और ल्यूसिया का घर गाड़ी से तो 5-7 मिनट लगते हैं पैदल 10-15 मिनट लग जाएंगे इतना ही दूर है फॉर माई जैकेट ऐसे ही जाऊँगा Let me check if it's cold or not. नहीं वापस भी पैदल आना है वापस पैदल आना है इट विल बी कोल्ड बाय देन दो दिन से मैं जैकेट भूल रही हूँ क्योंकि घर के अंदर बैठ रही हूँ तो पता नहीं चलता वेदर का भाव जिस दिन लेट हो रहे हो ना और लेट होने के ना अपने आप सिचुएशन बनती रहती है मैं ब्लॉग बाद में करती हूँ थोड़ा बाहर निकलती हूँ आउट एंड अबाउट और दो दिन के बाद पैदल निकल रही हूँ आउट इन द ओपन इतना अच्छा लग रहा है ना कल वैसे मुझे जाना है रैम सिटी सेंटर फ्री के बुटीक जो फ्री पता नहीं आजकल कोई लैंग्वेज ठीक से नहीं निकल रही बट इट्स लाइक होम अबे यार ये देखो ज़बरदस्ती टाइम लगने वाली चीज़ें
सच अ प्रिटी वेदर. और इतना शांत नेबरहुड है ना ये. अब कल से थोड़ा बाहर निकलूँगी बिकॉज आई स्टिल हैव अराउंड मोर देन आई डोंट नो. अभी मेरे पास बहुत सारे दिन हैं तो कल निकलूँगी बाहर. पता जब किसी एक डिफरेंट जगह या नॉर्मल अपने घर में भी होता है एक दो दिन से ऊपर घर के अंदर बैठ जाओ ना, मतलब बाहर तो निकली बट नॉट लाइक ऐसे ओपन फॉर अ वॉक. अभी भी दिमाग ऑक्यूपाइड है तो इतना पता नहीं कितनी प्रेजेंट हूँ मैं यहाँ पे. बट अगर बाहर ना निकलो ना थोड़ा सा दिमाग डब्बा डब्बा फील होता है. लुक एट दिस हाउस. फुल ऑन चिनार ब्लूम. मैंने वैसे ऑटम के सीज़न से कुछ कुछ चिनार के पत्ते अपने पास रखे हुए हैं और अभी मैंने नोटिस किया, मैंने कहा ये तो फुल ऑन अलग कलर है, मतलब ऑरेंजिश मरूनिश. और ये अक्टूबर तक ऐसी रहे. ये डिफरेंट घंटी है. कुकु सेमा आता. वही सेबो. मर्सी. कभी कभी तो बेल बजाता है मेरा मन करता है बोलो कुकू सेनू. वो जो गाना है आई डोंट रिमेम्बर द नेम. अगर एडिट करते हुए मुझे याद आया तो बताती हूँ. कुकू सेनू. फोर फ्लोर्स. कम ऑन. Ah oui, c'est juste, c'est tout droit et après c'est juste à droite. Ouais, je me souviens. Ça dépend quel modèle. Avec le soleil, oui, dans les magasins aussi. C'est pourquoi j'adore ces lunettes-là. C'est une cristal, je crois, qu'elles sont des lunettes qui foncent quand elles rentrent dans les magasins. Bah, franchi, monsieur. Ouais. C'est de l'or. Ah, oui, elle fait sa toilette. Coucou. Hamster chinois. Ils font les petits siestes. Ah. Les chinois. Qu'est-ce que c'est marrant. Et là, il dort là, comme une petite boule. Coucou, coucou, c'est nous. Parle. Tiens, regarde les tomates l'année dernière que j'ai eues. 40 tomates. Qu'est-ce que t'as fait avec le 40? J'ai mangé. Tout? J'ai invité des amis à manger, ils ont mangé mes tomates. Jardinage, pour, selon moi. Pour ça moi. Fait du bien, ça fait, ouais, des ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, hein. Ouais. Moi j'adore. Mais des fois j'ai des soucis, des insectes. Ah oui. Pour les potages, il y a oui, les soucis. Eh ben, ils vendent des bombes où on peut mettre ça sur le potager, ça ne craint rien pour les légumes. Ah bon? Ni pour nous. Faire un petit vidéo. Salut! Salut! Oui, je... Voilà! Et ça sent le. J'ai pas menti, ça sent le curry! Allez, viens là! Oui, oui! Là. Allez, viens! Mets mon sac là pour. Ah, elle a plein d'énergie là! Ah oui! Ah oui, elle va sauter sur moi! C'est pas grave, c'est pas grave, ah, elle peut jouer! Voilà! Ah, c'est bien! Good job. On va aller dehors! चलो भाई, ब्रिजिट को यहाँ छोड़ दिया है. मैं घर की चाबी लेके घर जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी निपटा लूँ. चाय वाय पी ली, इट वॉज गुड. और उस डॉगी का नाम पता क्या था? पार्कर. बड़ा ही ज़्यादा उसने पूरी जीत ऐसे फट फट फट. मैंने कहा भाई अंदर तक ना ऐसे लाल निशान हो गए होंगे, बहुत तेज तेज उसने नाखून मारे हैं. ऑल्दो इसके नाखून थे नहीं बट लग रहे थे. एंड हम आ गए शो से. ये वाली जो लेडी थी
शी वॉज मोर इन टू रियल इस्टेट, तो बहुत सारा ज्ञान मिला रियल इस्टेट का. और बिल्डिंग भी थोड़ी बहुत ऐसी सी ही है. अब जस्ट गोइंग होम, यहाँ से 25 मिनट का रास्ता है. आप ये 15 मिनट, ओ 25 मिनट हमेशा होता है. इल्फो पूसे इल्फो तीरे. कहाँ पे बैठे थे हम? अच्छा नहीं, दूसरी साइड थे शायद हम. ऐसे दिखेगा नहीं. मैं टॉपी टॉपी टॉपी. अब मुझे कहीं ना कहीं से वो दिखेंगे ऑफकोर्स. ओ वाह, आ तू तलर. ओ वाह, उसने मेरे से सेम लीसे का पूछा जहाँ पे मैं काम करती थी पहले तूलो में. भाई क्या रेट है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल. ज़बरदस्त प्रोमो है. आई एम गोइंग टू टेक दिस योगर्ट, ब्लूबेरी, मिडफील एंड फ्रोम्बुआज, दोनों तो ले ही लेते हैं.